सबके होते हैं एंड तो मैं ज़बरदस्त फ़ैन हो गई एंड पर उस समय आई डिड नॉट नो हाउ टू यू नो एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टूवर्ड्स हिम बिकॉज आई वॉज अ किड देन ऑफकोर्स मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ देन आई केम टू मुंबई आई एम फ्रॉम कलकत्ता सो आई केम टू मुंबई यू नो हैड एन एल्बम विद यूनिवर्सल तो उनके साथ मेरा काम चल रहा था कि इसी दौरान स्टार न्यूज़ छापेकर साहब उस समय 2005 वो मेरे घर आए थे इंटरव्यू लेने के लिए तो उसी दौरान उन्होंने बात निकाली कि 11 अक्टूबर बहुत करीब है क्यों ना आप एक गाना उनके लिए कंपोज करें तो उनको तब तक नहीं पता था कि मैं उनकी फ़ैन हूँ आई वाज लाइक वाओ नथिंग लाइक इट बिकॉज इससे बड़ा क्या हो सकता है कि मुझे खुद ही एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मुझे ज़्यादा यू नो हाथ पैर हिल चलाने पड़े और अपने आप अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो उसी समय आई थिंक इट वॉज अ वेरी रफ रिकॉर्डेड कीबोर्ड से तुरंत किया और वो 11th अक्टूबर स्टार न्यूज़ में 24 आवर्स टेलीकास्ट हुआ था आई वॉज वेरी हैप्पी आई वाज लाइक वाह अभी मेरा सपना पूरा होने वाला है कि मैं उनसे मिल पाऊँगी उनको बता पाऊँगी कि आई एम कन्वेइंग माई इमोशंस थ्रू माई म्यूज़िक सिंस आई एम म्यूज़िक डायरेक्टर तो बट somehow I failed to meet him he doesn't even know failed to meet him but again I went back to Calcutta मेरे कुछ बंगाली प्रोजेक्ट्स थे तो वो सब हो रहे थे एंड जब मैं वापस आई मुंबई 2011 में तो ये जब मैं फिल्म्स कर रही थी बंगाली फिल्म मराठी फिल्म ये जहन में था कि मुझे फिर से ये गाना ले आना है क्योंकि अंदर छुपा हुआ था तो 2013 से ही मेरे अंदर फिर से जुनून सवार हो गया था कि मुझे फिर से करना है सो आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड ऑन दैट एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैंने लॉन्च कर लिया 2 हफ्ते पहले एंड आई विश इट रीचेस अप टू हिम दिस टाइम फाइनली सो यू नो यू आर फ्रॉम कलकत्ता कितना कल्चरल यू नो हेरिटेज रिच है और वहां पे लोग इतने आर्टिस्टिक माइंडसेट होते हैं तो वो कितना हेल्प किया आप किस एनवायरनमेंट व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हैव यू बीन यू नो लीव I'm from a Sindhi family and music was inherited अंदर ही था और देन थी भगवान की देन थी तो the environment was very good very musical very pious and very divine so that really helped me to be a music director what is the biggest challenge you have faced but to release this album on YouTube even you know releasing an album on YouTube is not so easy to ask क्योंकि बहुत सारे complications होते हैं बहुत सारे challenges होते हैं what are the challenges you have faced to releasing this album Well, challenges towards this album, I was just, honestly, I left it on God. That मैं अपने दिल से ये कर रही हूँ और जो होगा अच्छे के लिए होगा definitely. So yes, it is difficult because there are so many newcomers along with me who are choosing the platform of social media. But I cross my fingers, pray to God that hope I succeed. Lastly speaking, what scene do you find for you know you started with indie pop. तो अभी के दौर में क्या आपको लगता है इतने सारे सिंगर्स रीज होते हैं YouTube इतना बड़ा मीडियम हो गया है इज इट इजी इज इट डिफिकल्ट टू बिकम अ सिंगर और एनीथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक इंडस्ट्री वेल आई बिलीव दैट इफ यू आर डेडिकेटेड इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर वर्क एंड इफ यू आर हार्ड वर्किंग नोबडी कैन स्टॉप